जय देवनारायण भगवान की, जय करनल बाबा की। सभी भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि पुष्कर पधारे। मैं भी रवाना हो चुका हूँ और मैं रात भी देख रहा हूँ क्योंकि रानी रंगीली तू पागल हो चुकी है, तुझे नींद तो आती नहीं है। और एक दिन में तीन तीन बार और 20-20 किलोमीटर चलती फिर गाड़ी में ला पाती। और क्या कह रही है तू कि मंदराज के अंदर जिगरा नहीं है? मेरे जिगरा देखा है तूने? सबको पता है लाइफ में रोती तू ही है, मंदराज नहीं रोता। मंदराज कभी रोएगा नहीं, इस चीज़ को याद रखना इस बात का। तो जिगरे की तो बात छोड़ तू। और तूने कहा ना कि शाहपुरा में पूरा राजस्थान में कहीं भी प्रोग्राम कर लेना तू, तेरा चैलेंज मंदराज दीवाना को मंजूर है। छुट्टी है तुझे, लेकिन इतना अच्छी तरह याद रखना इस बात का। एक बात तो समाज वाले से मेरा यही निवेदन है कि भाइयों आपका काम करो, क्योंकि ये तो काम करिए, इसके तो पैसे आ रहे हैं। क्या मतलब लड़ाने के पैसे आ रहे हैं इसके तो, क्योंकि अब वो गिन पॉपुलर आजकल स्टोरियाँ स्टोरियाँ भी आने लग जाएगी। कोई भी कलाकार को वो करके कर लेती है इसका काम, ये बदनाम करके कुछ भी किसी पॉपुलर कलाकार को। तो रानी रंगीली मुझे मंजूर है तेरा ये, लेकिन एक बात चित्र याद रखना, क्योंकि तेरी तू इतने कोई वर्ल्ड की कोई वो नहीं है जो तू चार पिंती तू नहीं। पहले मैं गाऊंगा उसके बाद में दूसरा माइक तू पकड़ेगी, दोनों साथ साथ गाएंगे, पूरी रात गाएंगे। अगर पूरी रात हो दूर की बात, अगर तू आधा घंटा के अंदर स्टेज छोड़ के नहीं भाग जाए ना वहाँ से, तो मेरी माँ का दूध नहीं पिया मैंने गुजरी का, मैं तेरे को कह रहा हूँ। मंजूर है मुझे? और जो भी प्रोग्राम में जो खर्च आएगा इंस्ट्रूमेंट जो भी साउंड का इनका, आधा तू देगी आधा मैं दूंगा, क्योंकि मैं तेरा बाप का नौकर नहीं हूँ। ये बात तो तुझे भी 20 सालों की बताए ना घुमाते, तो आधा तू देगी आधा मैं दूंगा, मुझे मंजूर है। सब फैन को राम राम। रानी रंगीली राजस्थान का कशे भी कोणा में तार जमजद बदल लीजियो। 11 और 12 तारीख मैं पुष्कर में रहूँगा, उसके बाद में तेरे मुर्जी पड़े तब बुला लेना रानी रंगीली। और तुझे शर्म नहीं आती तो तेरे नाव के खुद ही जी लगाती है, खुद की बड़ाई खुशी होती है कि मैंने कभी बोला कि मंदराज जी रानी जी बोल रही हूँ, राजस्थान रानी जी। ज़्यादा दिमाग मत लगा और ज़्यादा फटफड़ा मत, तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है। तू कहेगी जहाँ मंदराज आ रहा है, ठीक है ना? जय देवनारायण भगवान की। सभी भाई से निवेदन है कि पुष्कर पधारे और विशेषताएँ जो अभी जो गौ माता में रोग चल रहा है उसका ध्यान रखे हर जगह। जय देवनारायण भगवान की। सबसे निवेदन है, रानी रंगीली कह रही किसी कलाकार ने मेरे ऊपर गाना निकाल दिया। वो तू पहले लड़ी थी ना किसी से, कोई कलाकार है तब कहा भाई इसके ऊपर किसी ने गाना नहीं निकाला। ये बात मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैंने मेरे भाई देवा की याद में वो सॉन्ग गाया था, उसमें वो वर्ल्ड था मैं कह रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैंने जानबूझ के नहीं किया, याद रखना इस बात का। रानी रंगीली तेरा चैलेंज मुझे मंजूर है, तेरी मर्जी पड़े जहाँ, ये गुजराने के लिए तैयार है। और बार बार मुझे वीडियो बनाने में मजबूर मत करे, मैं तेरे को और कह रहा हूँ। और अब मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि दोबारा अगर तू इंसान है ना तो प्रोग्राम का ही वीडियो डालना चाहिए भाई, पलानी जगह तुझे आना मंदराज टक्कर लेना, और मैं भी तभी आऊँगा भाई कहाँ आना। अब तो कुछ भी कर ले, अब नहीं आऊँगा मैं, अब नहीं बनाऊँगा वीडियो, नहीं बनाऊँगा बिल्कुल कत्ते भी नहीं बनाऊँगा। बस वो वीडियो तेरा वही डालना चाहिए अब भाई, मंदराज तुझे वहाँ आना, और मैं भी वहीं कहूँगा भाई रानी में वहीं आ रहा हूँ। राम राम सब भाइयों को। जय देवनारायण भगवान की, जय करना।